कानून पे भरोसा नहीं है आपको? जो स्थिति बन रही है कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके एफआईआर होना पड़ रहा है, तो ऐसे में कानून पे भरोसा? विषव पीटल पर, विषव तो यहाँ पे बैठा है, जो किसान वर्ग है यहाँ पर बैठा है, विषव पटल नहीं है। ओनली क्या है, ये टीवी पटल है, अखबार पटल है। मुझे पता है कि बच्ची होने का दर्द क्या होता है, और बच्ची बाहर होती है तो क्या दर्द होता है, बच्ची को कहीं छू भी लिया जाए क्या तकलीफ गुजरती है। ये लोग क्या समझेंगे बीवी बच्चे को छोड़कर भागने वाले है। एक यहाँ पे फोल्डिंग आती है, उसके भी कैमरे लग जाते हैं, पता नहीं कितने कितने अधिकारी आ जाते हैं, 300 किलो RDX आता है तब ये कहाँ चले जाते हैं। न्याय मिले बच्चियों को ये नहीं दिख रहा है, परिवारवाद दिख रहा है, परिवार खोज रहे हैं, समाज देख रहे हैं, जाति खोज रहे हैं। तो किसान आ रहे हैं, इनके लिए ये एक मुद्दा है, इस देश की मीडिया के लिए यह मुद्दा है। मैं तो सोचकर हतप्रभ हूँ, इस देश में कानून व्यवस्था इतनी बदतर हो गई है। तो बड़ा जो है ट्वीट कर रहे थे मोदी जी फोटो लगाकर, जब इसके साथ इनके ही पार्टी के सांसद ने बदसलूकी की, तो इनको अब ये गद्दार देशद्रोही जाने क्या क्या बता रहे हैं। शिखा सिंह और आप देख रहे हैं जनित आवाज। अभी मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे मौजूद हूँ। मेरे पीछे का आप नज़ारा देख सकते हैं कि कितने सारे किसान मौजूद हैं, कितने सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं। आज लगभग 15 दिन पूरा हो चुका है इन पहलवानों के धरने का, और लगातार ये धरना अपना विकराल रूप ले रहा है, क्योंकि अभी तक इन लोगों को न्याय नहीं मिले। ब्रिजभूषण के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। मेरे साथ हैं ओम सुधा, ये हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, महिलाओं के लिए। हम इनसे बात करेंगे कि क्या कुछ लग रहा है आपको, क्या होगा इनका? देखिए आज जो हुआ है, सबसे पहले जो बैरिकेडिंग सरकार ने लगाई, देखिए कितना शर्मनाक है, कितनी गंदी बात है। ये 3 लेयर बैरिकेडिंग ये जंतर मंतर पे लगा रहे हैं, क्या मतलब है इसका? ये जो इस आंदोलन में बेटियां बैठी हुई हैं न्याय के लिए, उनके साथ बदसलूकी हुई है। जब ये मेडल लेकर आई थी तो बड़ा जो है ट्वीट कर रहे थे मोदी जी फोटो लगाकर, जब इसके साथ इनके ही पार्टी के सांसद ने बदसलूकी की, तो इनको अब ये गद्दार देशद्रोही जाने क्या क्या बता रहे हैं। और इनके समर्थन में जब किसान आ रहे हैं तो उनको उनके लिए 3 लेयर बैरिकेडिंग, क्या ये जो समर्थन करने वाले लोग हैं ये कोई पाकिस्तान से आ रहे हैं क्या, चीन से आ रहे हैं क्या? चीन को तो ये रोक नहीं पा रहे हैं, वो जो है कब्जा करते जा रहा है अरुणाचल पर। और अपने ही देश में जब बेटी न्याय के लिए बैठी है तो उनके समर्थन में आए लोगों के लिए ये 3 लेयर बैरिकेडिंग, पुलिस, लाठी डंडे, पानी की बौछार, क्या तमाशा है इस देश में। प्रधानमंत्री जी को स्पष्ट करना चाहिए कि जब ब्रिजभूषण सिंह यह कहता है कि मोदी जी कहेंगे तब मैं इस्तीफा दूंगा, इसका एक मतलब तो यह भी निकलता है कि जो कुछ भी वो कर रहा है या जो अब तक करता आया है उसमें मोदी जी की सहमति है क्या? मोदी जी को इस मामले में सफाई देनी चाहिए, हम लोगों का शक गहरा हो रहा है। एक तो इतने लंबे समय तक जिन बेटियों ने पूरे देश का मान बढ़ाया उनके साथ प्रधानमंत्री फोटो खिंचा रहे, मिल रहे हैं, बातचीत का वीडियो है, उनको न्याय के लिए यहाँ बैठना पड़ रहा है। सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है कि FIR जो है किया जाए, बावजूद इसके कार्रवाई नहीं हो रही है। मैं तो सोचकर हतप्रभ हूँ, इस देश में कानून व्यवस्था इतनी बदतर हो गई है कि क्या हर व्यक्ति FIR करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर ले आ पाएगा? क्या ऐसी स्थिति नहीं लाती है प्रधानमंत्री? आपने बोला कि हमें शक हो रहा है प्रधानमंत्री के नीतियों पे या उनके विचारों पे, उसी तरीके से लोग इन लोगों पे भी सवाल उठा रहे हैं कि जो भी लोग यहाँ पे आ रहे हैं वो सारे हरियाणा के आ रहे हैं, और किसान आंदोलन 2 की तरह, मतलब जिस तरीके से किसान आंदोलन इन लोगों ने किया उसी तरीके से यहाँ पे सिर्फ किसान ही आ रहे हैं समर्थन। नहीं, ऐसा नहीं है कि किसान, मैं कोई किसान हूँ क्या? हम लोग ST OBC समाज की लड़ाई लड़ते हैं, हम कोई किसान तो हैं नहीं। और दूसरी बात, मान लिया जाए किसान आ रहे हैं, तो किसान आ रहे हैं इनके लिए ये एक मुद्दा है, इस देश की मीडिया के लिए यह मुद्दा है। यह मुद्दा नहीं है कि एक बच्ची के साथ बदसलूकी हुई, कई लड़कियों के साथ, उसको न्याय नहीं मिला है, वो बरसात में ही भेप टेंट पंडाल के नीचे हैं, वो इस भरी दोपहरी में जो है जंतर मंतर पे न्याय के लिए बैठे हुए हैं, बैठी हुई है बच्चियां, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा यह है कि इनके समर्थन में लोग क्यों आ रहे हैं, किसान क्यों आ रहे हैं, एक्टिविस्ट क्यों आ रहे हैं, ये मुद्दा है। सवाल तो शक का पैदा करते, जब हथरस का कांड होता है ये किसान नहीं आते हैं, ये आप मानते हैं या नहीं? जब दलितों के साथ होता है और बेटियों के साथ, मतलब बहस इसी बात पे अब चलेगी, समर्थन में कौन आया और क्यों आया,
यहाँ क्यों गए, अब मुझसे पूछिए कि जो है आप पंजाब में क्यों नहीं गए थे इस मामले में, किसी मामले में आप कह सकते हैं, पूरे देश में घटनाएं घटती है, राजस्थान में कोई घटना घटी जितेंद्र मेघवाल की, आप क्यों नहीं गए, यहाँ क्यों आए, ये इस पे बहस होगी क्या, या मूल मुद्दे पर बहस होगी कि बच्चियों के साथ बदसलूकी हुई है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद FIR हुआ है, कार्रवाई नहीं हुई है और आरोपी कह रहा है कि मोदी जी कहेंगे तब इस्तीफा देंगे, एक जाति का बहस करने की हिम्मत है, एक जाति का है, एक परिवार का है, ये लोग परिवार बात कर रहे हैं, नहीं नहीं इसमें कौन सा किसी बच्ची के साथ कोई बदसलूकी हो जाए आप परिवारवाद खोज रहे हैं, यहाँ परिवारवाद दिख रहा है इनको, न्याय मिले बच्चियों को ये नहीं दिख रहा है, परिवारवाद दिख रहा है, परिवार खोज रहे हैं, समाज देख रहे हैं, जाति खोज रहे हैं, ये बहुत ही कुंठित और गिरे हुए लोग हैं, ये लोग बलात्कारी मानसिकता के लोग हैं, जो लोग इस आंदोलन के खिलाफ बात कर रहे हैं उनकी मानसिकता बलात्कारियों वाली है। बबीता फोगाट भी एक महिला है और PT उषा भी महिला, इनके समर्थन में नहीं आ रही है, लगातार वो लोग कह रही है कि इसको बंद करो, मैं फिर कह रहा हूँ कौन समर्थन में आ रहा है कौन समर्थन में नहीं आ रहा है, इससे बड़ा सवाल यह है कि क्या इन बच्चियों को न्याय मिलेगा, क्या बृजभूषण सिंह की गिरफ्तारी होगी, क्या फास्ट ट्रायल होगा बृजभूषण सिंह का, मूल मुद्दा ये है, कानून पे भरोसा नहीं है आपको, जो स्थिति बन रही है कि सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेके FIR होना पड़ रहा है, तो ऐसे में कानून पे भरोसा तो ना हो तो लाना, सबूत तो चाहिए ना, तो FIR तो ये कोर्ट से ऊपर है, सुप्रीम कोर्ट का ही गाइडलाइन है कि इस तरह के मामलों में तुरंत पहले गिरफ्तारी होती है और पद से पहले हटाया जाना चाहिए, वो कुछ नहीं हुआ है, ये तो एंटी लॉ खुद ही काम हो रहा है, कानून के हिसाब से भी तो काम हो, यहाँ तो कानून को ही तख्ती पे चढ़ा दिया गया है, तो कैसे भरोसा होगा, आरोपी कहता है कि प्रधानमंत्री कहेंगे तब हम इस्तीफा देंगे, कितनी शर्मनाक बात है प्रधानमंत्री जी के लिए, उनको तो सामने आकर बयान देना चाहिए इस बात पर, उनका एक सांसद ऐसा एक बलात्कार एक जो है दुर्व्यवहार का आरोपी कह रहा है कि प्रधानमंत्री कहेंगे तब इस्तीफा देंगे, यानी कि अब जो उनकी सहमति से हो रहा था ना प्रधानमंत्री, उग्र हो रहे हैं, क्यों नहीं उग्र होंगे, ये 3-layer बैरिकेटिंग, कोई चीन पाकिस्तान का हमला हो रहा है क्या, लोग समर्थन करने आ रहे हैं अपने अपने बहू बेटी के लिए, और ये लोग क्या समझेंगे जिनकी अपने जो अपने बीवी को छोड़कर भाग गया हो, उस आदमी से क्या उम्मीद करेंगे जिसने शादी नहीं की हो, जिसका अपना परिवार नहीं हो, बीवी को छोड़कर भाग गया, वो क्या समझेगा परिवार का दर्द, मैं एक बेटी का बाप हूँ, मुझे पता है कि बच्ची होने का दर्द क्या होता है, और बच्ची बाहर होती है तो क्या दर्द होता है, बच्ची को कहीं छू भी लिया जाए क्या तकलीफ गुजरती है, ये लोग क्या समझेंगे बीवी बच्चे को छोड़कर भागने वाले, प्रधानमंत्री तो इनको खुद बेटी बोले, विनेश फोगाट बेटी बोला और यहाँ सड़क पर पटक दिया है न्याय के लिए, यही पर, और यही 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 प्रधानमंत्री जी बेटी बोला है, बेटी बोला है प्रधानमंत्री जी, आपकी बेटी सड़क पर न्याय के लिए खड़ी है, न्याय दिलाइए अपने बच्ची को, लेकिन बृजभूषण सिंह कहते हैं कि वो जब हमारे से गले लगती है तो हम वो जब असहज महसूस करती है तो हम उनको बताते हैं कि हम तुम्हारे पिता समान है, बृजभूषण सिंह क्या कहते हैं क्या नहीं यह कानून तय करे, जब अगर और भी इस देश इस देश दुनिया में और भी लोग गले मिलते हैं मेल फीमेल, तो जो गले लगने का एहसास होता है ना वो महिलाओं को पता होता है कि आप भी एक महिला हैं, वो पता चल जाता है, कोई हाथ भी मिलाता है तो उसकी क्या फीलिंग है, तो इस फीलिंग को लड़कियां समझती है, वो बृजभूषण सिंह तो खुद आरोपी है, वो क्या बोलेगा, पहले पद से त्याग दे इस्तीफा दे और पुलिस बार के सांसद रह चुके हैं, उसको आप यूं ही कहेंगे हट जाने, नहीं नहीं हिटलर तो जब हिटलर की सभा होती थी ना लाखों लोग होते थे, 6 बार का सांसद होना किसी को कोई इस बात का सर्टिफिकेट देना है क्या कि वो किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ करेगा, कोई दस बार का सांसद हो 50 बार का सांसद हो, लेकिन हमारे हम इजाजत नहीं देंगे कि हमारे, अरे वो हिंदू है टीका लगाते हैं, देखिए वो साधु संत की तरह रहते हैं, नहीं अब तो इस देश में हिंदू के नाम पे यही होगा छेड़छाड़ करेंगे, बलात्कार करेंगे, हत्या करेंगे, हिंदू के नाम पे सहमति खोजेंगे, ये तो यही होगा, राम जी राम रहीम जी, पता नहीं कितने आदमी है वो जेल के अंदर है, बहन जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, टीका लगाने से संत हो गया, महर्षि दयानंद बन गया, भगवान राम बन गया, वो ये नहीं दिखाई दे रहा उनको,
आपको टीका दिखाई दे रहा है, ये बहन बेटियों के पसीने दिखाई नहीं दे रहे। जो बेटियां विदेशों में जीत के आई हैं और यहाँ पे माथरों में बैठी हैं, एक यहाँ पे फोल्डिंग आती है उसके भी कैमरे लग जाते हैं, पता नहीं कितने कितने अधिकारी आ जाते हैं, 300 किलो RDX आता है तब ये कहाँ चले जाते हैं, वहां राफेल की फाइल गुम हो जाती है तब ये हमारा प्रशासन कहाँ चला जाता है, कब ये 56 इंच का सीने वाला प्रधानमंत्री कहाँ चला जाता है। लोकप्रिय प्रधानमंत्री है, विश्व पटल पे नाम रोशन कर रहे हैं। कौन से विश्व पटल पर, विश्व तो यहाँ पे बैठा है, जो किसान वर्ग है यहाँ पर बैठा है, विश्व पटल नहीं है, ओनली क्या है, ये TV पटल है, अखबार पटल है, इससे ज्यादा कोई पटल नहीं है। ये तो हाथ जोड़ के गरीब बन के हमने एक मौका दिया था कि हमारे में से हमारा एक भाई ऊपर जाएगा और इन जो बुरे आदमी थे, भ्रष्टाचारी थे, उनको हमने हटाया था, कोई अच्छा काम किएगा इसलिए उसको हम लेके आए थे। हमें नहीं पता था ये उससे भी ज्यादा कुर होगा, शैतान होगा। ब्रजभूषण तो कहते हैं हमने इनको परिवार माना और इन्होंने हमारे पीठ पीछे छुरी मारी। ब्रजभूषण की बात पर आप ध्यान दे रहे हो, इन हमारे पहलवानों की बात नहीं देख रहे। आप भी एक बहन हो, ये भी बहन, इनकी बात दिखाई नहीं दे रही। रावण भी ऐसे कहा करता, रावण ने कहा था मैं हाथ नहीं लगाऊंगा, मेरी बहन के बदले के लिए लाया हूँ। किसी बहन की तरफ उंगली उठती है ना, मैं उनको बताना चाहता हूँ ये तो वो समाज है, अगर हमारे बुजुर्गों की तरफ अगर कोई दो बार खांस भी दे उसका भी बदला ले लिया करते हैं। इन्होंने तो हमारी इज्जत पर हाथ डाला है, छोड़ेंगे नहीं। या तो ये सरकार और ये कानून मदद करे, नहीं तो ये प्रजातंत्र मदद करेगा और ऐसी मदद करेगा शताब्दियों तक इतिहास लिखा जाएगा। कोई भी ब्रजभूषण का नाम का आदमी या कोई भी राजगद्दी पर बैठने वाला आप जैसी बहनों पर, फूल जैसी बहन बेटियों पर उंगली को उठाने की हिम्मत नहीं करेगा। तो आप लोग परिवारवाद नहीं कर रहे हैं, ये लोग वहाँ की हैं तब आप लोग यहाँ पे समर्थन के लिए आ रहे हैं। परिवारवाद तब तो हिंदुस्तान उसका एक होता है, सबका विकास सबका विकास, ऐसे बोलता है वो। परिवारवाद क्या होता है, ऐसे बोलता है वो। परिवारवाद क्या होता है, परिवार और जाति एक पता होता है, जो कहने के लिए यो वायु समाज का, ये वायु समाज का। समाज होता है कर्म से, अच्छे कर्म करे तो हम उसको फिर सराखों पे बिठाते हैं। अगर एक मौका दे दिया बुरा कर्म किया है उसको जानूम में से भी उठा लाओगे, उसको छोड़ांगे नहीं, कहीं छुप ले। मोदी कितने दिन उसको बचाएगा, पहले तो हम सुप्रीम कोर्ट का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि हम बाबा साहब को मानने वाले हैं, हम इस संविधान को मानने वाले हैं। हमारे बुजुर्गों ने पता नहीं कितनी कुर्बानियां दी। संविधान को मानते हैं और कुछ लोग हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं, बोल रहे रामराज चाहिए हमें। रामराज, राम हमारा एक आदर्श था, हम उसकी बात इसलिए कर रहे हैं। संविधान के अंदर राम भी है, भगवान भी है, गुरु भी है, सब है, सब कुछ एक है। अगर हम बुजुर्ग को भी, अपने माँ बाप को भी राम मानना, भगवान मानना, तो इसे बड़ी बात नहीं है। वो तो हमारी एक श्रद्धा है न्याय के लिए, या तो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, नहीं तो यह जनता जनार्दन है, और इसने न्याय दिलाए भी है और आज भी दिलाएगी। लग रहा है कि न्याय मिलेगा 1000%, क्योंकि न्याय कहाँ नहीं मिलता। बहन जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, न्याय वहां नहीं मिलता जहाँ पे पीठ पे गोलियां खाते हैं। ये तो वो समाज है जो छाती पर गोली खाता है। लंदन तक जाकर बदला लिया इन लोगों ने, ये हिंदुस्तान की गद्दी पर बैठ के हिंदुस्तान की बेटियों के साथ बलात्कार करेंगे। न्याय लेके जाएंगे और झुका के जाएंगे, आपके आगे की बात होगी। और एक दिन फिर आप इस माइक को ऐसे लगाओगे, अब भाई कितनी मेहनत करनी पड़ी इस न्याय के लिए, हम इन बुजुर्गों को कंधे पर बिठाएंगे और सोने के अक्षरों में इनका नाम लिखा जाएगा और इतिहास दिल्ली पे ये लिखाई होगी इसकी। एक खिलाड़ी मैडम कितने समय में तैयार? एक मिनट। आपने कही जैसे राम, एक राम ने एक आदमी का कहना था माता सीता घर चकार दी थी, और इस ब्रजभूषण के लिए पूरा इंडिया हिंदुस्तान आज पुकार कर रहा है, और उसका एक इस्तीफा नहीं दुआ था प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री एक 2000 रुपया किसान को देता है, वो अब नहीं दे रहा, शुरू दिया। वो 2000 रुपये की प्रशंसन करवाता है TV के ऊपर बैठ की, किसी बुजुर्ग महिला ने बैठा की। हाँ नहीं नहीं, आपसे ये उम्मीद किया जाए आप लोगों से कि आज जिस तरीके से आप इन लोगों के साथ हैं उसी तरीके से आगे किसी भी महिला के साथ होगा तो आप आएंगे खड़े रहेंगे। हाँ सदा से आए हैं। मैं बहन जी अगर आपको टाइम हो तो, टाइम होते एक ऐसा पॉइंट बहन जी ने बोला है, और किसी महिला के लिए भी आओगे। हम हरियाणा से आते हैं, कभी मुगलों का राज था यहाँ पे, मलिक खाब की एक बेटी अलावतों में ब्याही गई थी,
और वो शादी से पहले उसको उस राजा उस शैतान के घर जाना पड़ा करता, वो बेटी जाने से मना कर गई, अहलावतों से वापिस मलिकों में चली गई और यूं कहा मैं अहलावतों में ब्याही हूं या उस राजा का है। राजा तब तो हम प्रजातंत्र नहीं था, गुलाम थे, हथियार नहीं थे। उस समय भी इन लोगों ने, चाहे कोई भी खाप हो, कोई भी जाति हो, किसी भी धर्म को मानने वाले हो, उस राजा को झुकाया था, उस राजा को मिट्टी में मिलाया था और वो डोला पूजने की वो उनकी वो होया कर तीन पर था, उसको खत्म किया था। आज तो प्रजातंत्र है, आज तो 1000% न्याय दिलावांगे। ये बेटियां नहीं, अगर किसी बेटी की कहीं भी कुछ, मोदी जी तो बोलते बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ इस तरीके का अभियान लाते हैं और वो हमेशा महिलाओं के लिए काम भी किया है उन्होंने, फिर आप लोग इस तरीके का महिलाओं के लिए किया, ये काम किया, जिसको दूध पिला रहा है, जिस कोबरा को दूध पिला रहा है उसके कोबरा ने काम कर दिया। कोबरा कौन? कोबरा ब्रजभूषण कोबरा, और कौन है? दूध कौन पिला रहा है? मोदी जी पिला रहे हैं, अपनी गोदी में बिठाए बैठे हैं। हमारा प्रधानमंत्री जो अपराधियों का संरक्षण करते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा? हमारी बेटियां चीख चीख के बोल रही है, उनके FIR नहीं हो रही, आप बोल रहे हैं टीवी पे FIR होगी, न्याय मिलेगा। आपने कर दी क्या FIR? यहाँ पे पसीना बहाया है, सुप्रीम कोर्ट तक गए तब जाके FIR हुई है। अगर आप इतने सच्चे होते, नेक होते, बेटी की बात सोचते हो, करते हो या दिखाते हो, तो पहली कलम से उसका इस्तीफा होना था, अपनी पार्टी से बाहर करना था, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता। हमारी बेटियां ठीक है तो बेटियां ऊपर आती, अगर वो ठीक है तो वो ऊपर आता। ऐसा न्याय क्यों नहीं दिया उसने? बबीता फोगाट भी तो है इन्हीं लोग की बहन है, कहां वो भी? ये तो हिंदुस्तान है बहन जी, हिंदुस्तान में पता नहीं किस किस सोच के आदमी है, क्या क्या घर पे प्रॉब्लम है। हो सकता है बबीता बहन भी आ जाएगी, जरूरी थोड़ी है पत्रकार आज आप आगे दूसरे नहीं आए, मैं कहूंगा वो क्यों नहीं आया, ये कोई नहीं आया। आप ये देखिए, और बहन तो आई है और माताएं तो आई है, ये कितने बुजुर्ग आए, किसी एक आदमी के आने से ऐसे नहीं होता। यहाँ पे बैठे रहेंगे आप लोग, इतनी परेशानी हो रही है, पुलिस वाले आप लोग को अंदर नहीं आने दे रहे, थर्ड लेयर का बैरिकेडिंग किया हुआ है। ये तो हमारे ऊपर तो मन करता तभी कर देते हैं, इतनी ताकत है तो ये चीन पर क्यों नहीं करते बैरिकेड, पाकिस्तान पर क्यों नहीं करते बैरिकेड, अपनी सुख सुविधाओं की बैरिकेड क्यों नहीं लगाते? पाएंगे आप क्यों? सदा से इतिहास रहा है हमारा, और कितना इतिहास बताऊं मैं आपको, लंदन में जाके जनरल डायर को मारा था उस जमाने में, तब एजुकेशन इतनी नहीं हुआ करती, हथियार नहीं हुआ करते, हम गुलाम थे, उस समय भी हमने अपना न्याय लिया था। तो आज तो प्रजातंत्र में मौत से नहीं डरते, न्याय लेके चलते हैं। तो आपने देखा इनमें बहुत गुस्सा है, ये कह रहे हैं जितना हो सके जो हो सके हम लोग लड़ेंगे, पहले भी लड़ते आए हैं और आज भी लड़ेंगे, न्याय दिला के ही जाएंगे। आप लोग इस पूरी खबर पे क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए।